का मेरी रस भरी रसोई में आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों दा साग, बड़ा स्वाद। हाँ जी, ये हमने साग बॉईल कर लिया है, सरसों का साग लिया है हमने 40%, 20% पालक ली है, मूली के पत्ते थोड़े से डाल दिए हैं और 10% हमने मेथी डाली है। तो मेथी थोड़ी कड़वी होती है इसलिए कम डालते हैं। अभी बाथू नहीं आया, बाथू भी डालते हैं इसमें और शलगम भी डालते हैं हम लोग तो। और मैंने इसको अच्छे से बॉईल करके इसमें 2 चम्मच बेसन डाल के इसको अच्छे से मैश कर लिया है। ये साग हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसको करेंगे तड़के की तैयारी। ये तड़के के लिए मैंने खूब सारा जिंजर गार्लिक का चॉप कर लिया और हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, ठीक है जी। ये मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ, प्याज कम डालती हूँ। और जिंजर गार्लिक अगर आपको टेस्ट लगता है तो ज़्यादा डालिए क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है साग में। और मैं क्या करती हूँ ना, साग को बाहर से नहीं कटवाती हूँ, लेके धो के फिर उसको काटती हूँ, मोटा मोटा काट के फिर बॉयल करती हूँ। काफ़ी लोग कटवा लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता, तो मेरे ख्याल से ना कटवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसके तड़के की तैयारी। आज हमने साग का, पहली बार साग बन रहा है सीजन का, तो हमने नई कढ़ाई निकाली है साग का मुहूर्त करने के लिए, ठीक है जी। खुश हो आप अच्छे अच्छे कढ़ाई देखने के लिए? थोड़े दिन रुक जाओ फिर इसकी शक्ल देखना। ये डाल दिया हमने खूब सारा घी, इम्यूनिटी का प्यो, ये डायलॉग बोलना मुझे अच्छा लगता है। तो हम इसमें डालेंगे घी, गरम हो चुका है। मैं इसमें जीरा नहीं डालती हूँ साग में, और कोई डालता होगा तो ठीक है, पर मुझे इसमें सिर्फ जिंजर गार्लिक का टेस्ट चाहिए। इसको हम अच्छे से लाल करेंगे, ठीक है जी। जब ये अच्छे से लाल हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। हमारा जिंजर गार्लिक लाल हो चुका है अच्छे से, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको लाल। हो गया है लाल जी, अब हमने इसमें डाल देना है प्याज, ठीक है। प्याज को लाल करेंगे, साथ में हम थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देते हैं। जैसे मैंने बॉईल करते समय भी हरी मिर्ची डाली थी, इसलिए मैं थोड़ी कम ही डालूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, क्योंकि हरी मिर्च किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, पर साग में हरी मिर्ची नहीं होगी तो साग करारा नहीं बनेगा, फीका बनेगा, तो थोड़ी सी डालनी जरूरी है। साग में जितना ज्यादा घी मक्खन होगा उतना ही फ्लेवर आएगा। मसाला हमारा भून चुका है, हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। हल्दी हमने डाली थी पहले साग में, फिर भी थोड़ी सी डाल देंगे कलर के लिए, क्योंकि थोड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है साग में। अब हम डालेंगे इसमें जो चॉप किए हुए टमाटर हैं, ये हमने टमाटर चॉप कर लिए थे, ये टमाटर डालेंगे, ठीक है जी। अब थोड़ा और भूनेंगे। ये मसाला हमारा भून चुका है जी, अब हम डालेंगे इसमें साग। एकदम मलाईदार साग बना हमारा। जब हम इसमें बेसन डाल देते हैं तो उससे थोड़ा सा साग का टेस्ट चेंज हो जाता है। बेसन कोई मक्की का आटा डालता है, कोई गेहूं का आटा डालता है, अपने स्वाद के अनुसार आप जो आटा डालना चाहते हैं 2 चम्मच वो डालेंगे तो साग का टेस्ट बढ़ जाता है। उबालने के जस्ट बाद हमने आटा अच्छे से फैला के डालना है ताकि गाँठे ना बने, लम्स ना बने, ठीक है जी। ये हो गया हमारा साग रेडी। अब इसमें जब गरम करके और मक्खन डाल के खाओ। साग हो गया रेडी, देसी घी हमने डाल दिया इस पे। अब आप इसे मक्की की रोटी के साथ खाओ, गेहूं की रोटी के साथ खाओ, जिसके मर्जी के साथ। अनन्या तो इसको चावल के साथ खाती है। और अब हम इसको खाएंगे। वेरी टेस्टी साग बना है। और आपको अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, सरसों का साग बना है तो मक्की की रोटी ना बने ये तो हो नहीं सकता। जब सरसों का साग बनता है तो मक्की की रोटी साथ में बननी जरूरी है। बच्चे नहीं शौक से खाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, मैंने मक्की का आटा लिया, उसमें 10% गेहूं का आटा मिला दिया ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए, टूटे ना रोटी।
और साथ में कद्दूकस करके मूली, अजवाइन, नमक। गर्म पानी से आटा अच्छे से गूंद के इसको मैंने 20 मिनट रखा। अब मैं इसकी बनाने जा रही हूँ रोटी, ठीक है जी। ये मैंने पॉलिथीन लिया है और इसमें बना रही हूँ, ठीक है जी। आप ऐसे भी बना सकते हो या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो। ये एक प्लेट लिया और आपने अच्छे से दबा दिया, ठीक है जी, अच्छे से दबा दिया। अब ये पॉलिथीन उठाओगे आप। ये मैं वो ट्रिक बता रही हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, मुझे नहीं ऐसी इतनी अच्छे से बनानी आती है हाथ से रोटी, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। ओके जी, ये बन गई गोल गोल रोटी। ये है मेरी फेवरेट करछी, ठीक है जी। रोटी पक रही है, तैयार है हमारी मक्की दी रोटी, सरसों दा साग नाल मूली ते प्याज। वाह जी वाह, की स्वाद।